राजेंद्र ग्राम तहसील मुख्यालय पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत जरही में ग्रामीणों के प्रयास से सम्मेलाल सिंह ने जमीन खरीदी और ग्रामीणों ने चंदा कर वहां पर एक खेल का मैदान बना दिया, जहां पर विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने कहा है कि भूमिदाता ने जमीन दे दी है जिसका मैं स्वागत करता हूं। अब खेल के मैदान का सुंदरता बनवाना जनप्रतिनिधियों का काम है, इसलिए मैं इस खेल के मैदान के लिए अधिक प्रयास जारी रखूंगा कि जल्द से जल्द इस बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा और एक रंगमंच का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान विधायक ने कहा कि जरही में हाई स्कूल है जहां पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए खेल का मैदान नहीं था और दिनों दिन उनके खेल का अभ्यास छूटता ही जा रहा था, जिसकी वजह से आज ग्राम की जनताओं द्वारा मैदान बनाया गया है जो आने वाले समय के लिए वरदान साबित होगा। समय और ये क्षेत्र के लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। जब हम जरही में ऐसा अजूबा काम हम कर सकते हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं, और वो काम जरही के आप सब लोगों ने किया। आपने अपना काम कर दिया, आपने भूमि दे दिया, भूमि देता भाई सम्मे सिंह ने आप दे दिया, आप सब लोगों ने मिलकर के उसको व्यवस्थित कर दिया। आदरणीय पटवारी साहब अपने खसरा में चढ़ा दिए। अब इसके आगे का काम हम लोगों को बचता है। जमीन आपने दिया, खेल मैदान आपने संरक्षित किया, और खेल मैदान जब आप भूमि आपने दिया है तो उस भूमि को सजाने का जिम्मेदारी अब हम जैसे प्रतिनिधियों का है। आपने अपना काम कर दिया और आप अपना काम करके अब इस खेल मैदान को हमको सौंप दिए हैं कि आप इसका सुसज्जित करिए, सुंदर बनाइए। अब आगे का काम हम लोगों का है कि इसका सुंदर समतलीकरण हो, इसका बाउंड्रीकरण हो, सुंदर रंगमंच बने और ये खेल मैदान मैं सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि विधायक महोदय के स्वागत के लिए थोड़ा खड़े हो जाए। मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे सार्वजनिक खेल मैदान का मान्य सभी आदरणीय नागरिकों ने घर से पूरे चंदा करके इस भूमि को खरीदे और भूमिदाता सम्मेलाल सिंह से ये लोग गांव वालों ने क्रय किया। उसमें जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते हमने भी 60,000 का स्वेच्छा अनुदान से चंदा यहाँ किया। आने वाले समय में इसके समतलीकरण और ये मैदान सुसज्जित बने, इसका बाउंड्री वाल, इसमें रंगमंच का निर्माण हो और जिस उद्देश्य से गांव वाले इतना अथक प्रयास करके इसको खरीदे हैं, इसको आगे सजाने संवारने का काम हम जनप्रतिनिधियों का है और इसको हम करेंगे। आने वाले समय में यहाँ बढ़िया इसके समतलीकरण हो जाए, बाउंड्री वाल बन जाए और सभी हमारे जनप्रतिनिधि भाई संतोष पांडे जी जो उपाध्यक्ष हैं जनप्रति, राम सिंह हमारे सरपंच जी हैं, हमारे सारे जागरूक नागरिकों ने, क्योंकि जरही गांव का जब हम नाम लेते हैं तो एक इनका अलग महत्व है, जहां एकता का प्रतीक ये खेल मैदान है। जिन्होंने 7 पात की लकड़ी एक जने का बोझ जो कहावत है, इसको चरितार्थ इन्होंने किया है। मुझे प्रसन्नता है कि गांव वाले एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोगात्मक सारे लोगों ने मदद करके और इस कार्य को पूर्ण रूप मूर्त रूप दिए हैं। आने वाले समय में जरही गाँव का चूँकि हाई स्कूल है, हाई स्कूल में बढ़ती छात्र संख्या को भी ध्यान देकर के अभिभावकों का अथक प्रयास रहा है और निश्चित ही इसका जो है पूर्ण विकसित करने का काम हम अपने हाथ में लेते हैं। क्या आनंद न्यूज़ के लिए अनूपपुर से प्रवीण चंद्रवंशी की रिपोर्ट।